अखिल भारतीय सफाई मजदूर संघ व प्रदेश स्थानीय निकाय एवं राज्य सफाई कर्मचारी संघ के जिला अध्यक्ष व प्रदेश अध्यक्ष शाखा नगर निगम वाराणसी के सफाई कर्मचारी पर हो रहे अत्याचार व शोषण को लेकर पत्रकारों के सामने अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि नगर आयुक्त ने जैसे ही घोषणा करते हुए 2000 सफाई कर्मचारियों की भर्ती को लेकर आदेश पारित किया, वैसे ही उसमें अंधाधुंध धांधली देखने को मिल रही है। देखिए हमारे संवाददाता विवेक यादव की रिपोर्ट। जी, नाम बताइए। मेरा नाम सोन चंद्र वाल्मीकि है, मैं उत्तर प्रदेश स्थानीय निकाय राज्य सफाई कर्मचारी संघ का प्रदेश अध्यक्ष। क्या मुद्दा है जिसको लेकर के आज मीडिया के सामने बैठे हैं बात करने की? मुद्दा ये है कि लंबे समय से सफाई कर्मचारियों की आउटसोर्सिंग पर रखने का जो प्रचलन चला है नगर निगम में, उसमें हमारे समाज के लोगों से 20 से 25 हज़ार रुपया वसूली हुई। अभी हाल ही में माननीय नगर प्रमुख महोदय ने शहर की सुदृढ़ सफाई व्यवस्था को लेकर के 2000 कर्मचारियों को रखने का फरमान जारी किया, और जैसे ही या समाचार पत्रों में प्रकाशित हुआ वैसे ही जो मेरे समाज को लूटने वाले लोग हैं वो सक्रिय हो गए, और सक्रिय होने के बाद अब अपने माध्यम से 20 से 25 हज़ार में बुकिंग शुरू कर दी। अभी आपने देखा होगा सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया, सर्वोच्च न्यायालय ने भी कहा, जिसका हम माननीय महापौर और सर्वोच्च न्यायालय के माननीय न्यायाधीश का भी सम्मान करते हैं कि कम से कम उन्होंने न्यायिक व्यवस्था को बनाए रखते हुए हमारे हकों में जो हम लोग लोगों के विषय में जो फैसला सुनाया वो बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला है। उन्होंने सीधे सीधे कहा सुप्रीम कोर्ट ने कि बारह मासिक काम करने वाले लोगों को कॉन्ट्रैक्ट और संविदा नहीं मान सकते, उसे परमानेंट किया जाए। तो मैं नगर आयुक्त महोदय से आज अपील आप लोगों के पत्रकार बंधुओं के माध्यम से अपील करता हूँ कि जो आउटसोर्सिंग कर्मचारी रखने और निकालने की प्रवृत्ति यहाँ चालू है, मैं नवागत नगर आयुक्त महोदय से कहना चाहता हूँ कि आउटसोर्सिंग जो सफाई कर्मचारी रखने और निकालने की प्रवृत्ति है उस पर ग्राम लगाने के लिए उसे अपने अधीन रखें, और जब तक नगर आयुक्त की अनुमति न मिल जाए रखने और निकालने की, तब तक किसी भी कर्मचारी की न रखा जाए न हटाया जाए, क्योंकि इनके द्वारा जो क्षेत्रीय सुपरवाइजर और सफाई निरीक्षक हैं ये जो मिल बांट करके ये खेला चला रहे हैं, इससे हमारे कर्मचारी आप सोचो जो काम करते हैं ये दो तरीके से शिकार है। पहला शारीरिक शोषण, दूसरा आर्थिक शोषण। आर्थिक शोषण क्या है कि यदि मान लीजिए कर्मचारी 2 साल 3 साल काम किया, उसकी बीवी बीमार हो गई, बच्चे बीमार हो गए, किसी कारणवश वो काम पर नहीं आया तो उसे तुरंत हटा देते हैं। अब 3 साल में जो कंपनी ने पैसा काटा पीपीएफ वो इनका नहीं मिलता, ईसीएस का पैसा नहीं मिलेगा, तो आर्थिक भी मार खाया और शारीरिक भी मार खाया, इससे हमारा कर्मचारी मानसिक रूप से बीमार हो जाए। अच्छा, आर्थिक रूप से जो आप बता रहे हैं उसमें देखा जाए तो एक प्रचलन है दस्तूरी करके, ये क्या चीज़ है और इसको जरा हमारे पब्लिक को बताएं क्या चीज़ है इसमें? दस्तूरी के मामले में देखिए ये है कि वही है कि हम इधर भी मार खाएंगे उधर भी मार खाएंगे, अगर हम पैसा नहीं देते हैं तो वही निकालने का तरीका है। अगर आउटसोर्सिंग कर्मचारी हमारा अगर परमानेंट कर्मचारी पैसा नहीं देगा तो ये मानक के विपरीत उसे काम कराएंगे, चार बीट का काम कराएंगे, ज़बरदस्ती काम कराएंगे, और आउटसोर्सिंग में जो कर्मचारी है अगर उसने पैसा नहीं दिया तो उसे कहेंगे काम चूर है, काम नहीं करता, सुपरवाइजर से बदतमीजी किया, और वो बेचारा का जाए कहाँ, उसके पास था गवाह। तो इसलिए मैं नगर आयुक्त महोदय से निवेदन कर रहा हूँ, मांग करता हूँ कि रखने निकालने की जो प्रवृत्ति है नगर निगम में और सोचे कर्मचारियों को वो नगर आयुक्त अपने अधीन रखें और अपने ऐसे किसी अधिकारी को नियुक्त कर दें कि जो पारदर्शिता बरकरार रखें, ताकि हमारे समाज के लोगों का ये जो शोषण है ये कुछ हद तक तो रुकेगा, पूरा तो नहीं रुकेगा मैं जानता हूँ, क्योंकि ये लूटने वालों का जो मकड़ा जाल है ये बहुत खतरनाक है। बात की जाए अभी जैसा आपने बोला पारदर्शिता की, अगर इसमें बड़े बड़े अधिकारी ही लिप्त हों और उनका भी कमीशन उसमें बंधा हो तो कहाँ तक लगता है कि इसमें पारदर्शिता हो पाएगी इस भर्ती में? देखिए ऐसा तो मुझे नहीं लगता, क्योंकि अभी तक जो नगर आयुक्त आए हैं जैसा कि इनका इनकी कार्यशैली है वो काफ़ी सकारात्मक रही है, और हमको इनसे उम्मीद है और साथ साथ महापौर जी से भी उम्मीद है कि महापौर जी भी हमारे बहुत टाइट हैं, तो अगर उनके तक अगर ये हमारी बात जाएगी तो जरूर सकारात्मक निर्णय लेंगे।
विश्वास है मुझे। और अगर इसके बाद भी इसी तरह शोषण होता रहा, इसी तरह घुसखोरी होती रही, तो कैसे इसको आप लोग आने वाले, फिर हम 2024 के चुनाव का इंतजार करो। 2024 के बाद फिर मैं अपने पुराने इतिहास को दोहराऊंगा और नगर निगम में व्यापक आंदोलन चलाऊंगा। तो क्या लगता है कि लोग आपका साथ देंगे इस मुहिम में? वो तो शक्ति परीक्षण उसी दिन हो जाएगा जिस दिन मैं आंदोलन की घोषणा करूँगा। तो अभी तो मैं आपको क्या बता दूँ कि मेरे साथ कितने लोग हैं, शक्ति देखनी है तो मेरी शक्ति। जी भैया नाम बताएं। गोपाल प्रसाद रेणुकर, अखिल भारतीय सफाई मजदूर संघ का पूर्वांचल अध्यक्ष। सर लगातार देखा जाता है कि आप दलित दबे कुचले लोगों के लिए लड़ाइयाँ लड़ते आ रहे हैं और उनके हक और अधिकार की बात भी करते हैं, लेकिन फिर भी देखा जा रहा है कि उनका शोषण लगातार हो रहा है, इस पर क्या राय है आपकी? शोषण लगातार हो रहा है, सही है। इसमें जो हम लोग पढ़े लिखे टाइप के जो लोग हैं, जो नौजवान साथी हमारे हैं, वो कहीं ना कहीं गुमराह होके समाज में अपना समय न दे पाना, और जब एक शिक्षित व्यक्ति समाज में जाकर अपने समाज के लोगों को, कर्मचारी वर्ग को, उनको उनके अधिकारों के बारे में जब तक नहीं समझाएंगे तब तक कहीं ना कहीं शोषण का क्रम बना रहेगा। हम जितना इनके बीच में जाएंगे, संविधान में इंगित इनके अधिकारों के बारे में जितना इनको समझा पाएंगे और ये समझ पाएंगे, तब तो बदलाव तेज़ी से आना होगा। और अगर हम इनके बीच में नहीं जाते हैं और इनको अधिकारों के बारे में नहीं समझा पाते या नहीं समझाते हैं, तो शोषण का जो क्रम है वो लगातार इसी तरह से कहीं ना कहीं बना रहेगा। तो मुख्य यह है कि हम लोगों को समाज के बीच में जाकर उनके अधिकारों के बारे में एक जन जागरण अभियान चलाकर उनका क्या अधिकार है अपने काम को लेकर, जैसे अभी बड़े भाई सोनचंद वाल्मीकि जी ने एक बात कही कि आउटसोर्सिंग के कर्मचारियों का शोषण हो रहा है, संविदा का हो रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है, शोषण ही नहीं घोर शोषण हो रहा है। जैसे कि अभी जो आउटसोर्सिंग का कर्मचारी नियुक्त किया जाता है, जो कि लेबर एक्ट के तहत, लेबर एक्ट ये कहता है कि जब इनकी नियुक्ति हो तो इनको नियुक्ति पत्र भी दिया जाए, लेकिन आप मीडिया बंधु आप गुप्त रूप से भी किसी भी कर्मचारी से जाके यह बयान ले सकते हैं कि आप आउटसोर्सिंग के कर्मचारी हो तो किस कंपनी के हो, क्या आपको नियुक्ति पत्र मिला, क्या आपको ESIC नंबर मिला है, क्या आपको EPF नंबर मिला, आपको अपने आप सब जानकारी हो जाएगी कि इनको कुछ भी नहीं मिला है ना। यहाँ तक कि उनका जो जिस कंपनी के वो आए काम करते हैं वो आई कार्ड तक नहीं उपलब्ध कराया जाता, कैसे पता चलेगा कि वो उसका कंपनी का कर्मचारी है। और घटना के दौरान जब कोई ऐसा दुर्घटना होता है, उनका हाथ पैर टूटता है या मौके पर डेथ कर जाते हैं बेचारे, उनको कुछ भी नहीं मिलता है। तो ऐसे ऐसे परिस्थिति में क्या यह समाज, क्या समाज कर्मचारी वर्ग जानवरों की तरह मरता रहेगा? हम बड़े भाई का समर्थन करते हुए और जो लीगल वे पे काम होना है, जो लीगली होता है कि एक नियुक्ति पत्र, ESI नंबर, ESI कार्ड, EPF नंबर जो हो वो कर्मचारी को उपलब्ध करावें। और अभी विगत दिनों अपर नगर आयुक्त थे देवी दयाल वर्मा जी, जब उनके सामने हम लोगों ने ये मांगे रखी कि जो आउटसोर्सिंग का जो कंपनी है उसके कार्यालय कहाँ है, तो जन सूचना से भी जब मांगा गया पता चल रहा है कि कंपनी दिल्ली है तो लखनऊ में बॉम्बे है, क्या कर्मचारी दिल्ली लखनऊ बॉम्बे जाएगा अपनी समस्याओं के बारे में बताने? तो नगर निगम मुख्यालय में उनकी कंपनियों की ऑफिस होनी चाहिए, जिससे हमारा कर्मचारी किसी भी प्राइवेट कंपनी में काम कर रहा है और आज 8 घंटे की वजह जगह उनको 12 से 14 घंटे तक, चूँकि यह माननीय प्रधानमंत्री जी का संसदीय क्षेत्र है, वह जहाँ पर हमारे कर्मचारियों का अब कोई घंटा भी तय नहीं रह गया कि मतलब वो कितने घंटे काम करेंगे, सुबह 5 बजे से बुलाकर शाम को 9 बजे तक उनका शोषण किया जाता है, उनसे काम कराया जाता है। और वो बेचारे इसलिए करते हैं क्योंकि जो भी 8,000, 9,000, 8,500 रुपया जो वो सैलरी किसी भी तरीके से पा जा रहे हैं, वो उनसे अपना परिवार चला रहे हैं।
और विरोध करने की क्षमता उनके अंदर अभी नहीं है। जैसा कि मैंने पहले कह चुका कि जब तक इनको जन जागरण के माध्यम से इनको जागरूक नहीं कर दिया जाएगा, ये अपने अधिकारों के प्रति लड़ नहीं पाएंगे। और रही बात उनके हाथों में छाले पड़ना, ये तो अभी भैया ने कहा कि जो है बिल्ली को दूध की रखवाली, तो सही है। जितने भी यहाँ सेनेटरी वो क्या बोलते हैं सफाई एवं खाद्य निरीक्षक महोदय हमारे हैं, ये पुराने समय से यहाँ जमे हुए हैं, है ना। कई कई सालों से जब एक ही जगह लोग जम जाता है तो वो जान जाता है कि हमको किसका खून कैसे पीना है, किसकी चमड़ी कैसे नोचनी है। तो ऐसे जो जो काफ़ी दिनों से जो यहाँ पे सफाई खाद्य निरीक्षक जमे हुए हैं, इनको समय समय पे स्थानांतरण कर देना चाहिए। होता क्या है कि जो काफ़ी दिनों से जमे रहते हैं, अगर कोई नया अधिकारी आते भी हैं, जैसे नगर स्वास्थ्य अधिकारी या मुख्य नगर स्वास्थ्य अधिकारी कोई आते हैं, ये क्या करते हैं जाके उनका कान भरते हैं, उनका कान भर के उनको भी अपनी तरह ही बना देते हैं, और इसीलिए कर्मचारी के समस्याओं का निस्तारण भी नहीं होता है। तो इन्हीं सब चीज़ों की वजह से आज सफाई कर्मचारियों की जो समस्याएँ निरंतर बनी हैं, और हम लोग संगठन के माध्यम से भाईचारे के माध्यम से सारे लोग मिलकर जन जागरण अभियान चलाकर पहले बस्तियों में जाकर, मोहल्लों में जाकर, वार्डों में जाकर सफाई कर्मचारी भाइयों को जागरूक करने का भी काम हम लोग करेंगे। तब हमें लगता है कि कुछ ना जो है उस पे समस्याओं के बारे में उनके